नमस्कार दोस्तों, मैं पवन, मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है पाठ्यक्रम के प्रकार, पॉइंट नंबर 4, क्रिया प्रधान या अनुभव आधारित पाठ्यक्रम। क्रिया प्रधान या अनुभव आधारित पाठ्यक्रम के प्रमुख तथ्य। नंबर 1, यह पाठ्यक्रम कार्य को आधार मानता है। क्रिया प्रधान है इसलिए कार्य को आधार मानता है। नंबर 2, इसके अंतर्गत कक्षा कार्य के लिए विषय वस्तु का चयन विद्यार्थियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं और अनुभवों के आधार पर किया जाता है, इसलिए यह भी क्या है, छात्र केंद्रित है। नंबर 3, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका सूत्रपात पेस्टोलॉजी तथा रूसो ने किया था, लेकिन वास्तविक प्रणेता तो इसके जॉन डीवी ही थे। नंबर 4, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में बालकों के लिए ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाता है जिनका कुछ सामाजिक मूल्य हो और जो बालकों के काम आ सके। नंबर 5, जॉन डीवी ने ऐसे क्रियाशील पाठ्यक्रमों का समर्थन किया जिनके सीखने पर बालक भविष्य में समाज उपयोगी कार्य करने के योग्य बन सके। नंबर 6, ज्ञान क्रिया का परिणाम है, ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है तथा अनुभव क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए पाठ्यक्रम को क्रिया प्रधान तथा अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, यह पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं पर ज़्यादा बल देता है। नंबर 8, पाठ्यक्रम में मानव जाति के विभिन्न अनुभवों को शामिल किया जाता है।